गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम लता सक्सेना, योर हिंदी टीचर। वी आर स्टार्टिंग 16 चैप्टर सर्वनाम। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्वनाम होते क्या हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो सभी शब्द, सभी नामों या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सरल शब्दों में ये जानिए कि जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा हो उसके लिए, या जिस व्यक्ति के लिए बात की जा रही है उसके बारे में बात कर रहा हो, इसका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो, तो मैं कौन हुआ? प्रथम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, और जो उसे है वो कौन है? उत्तम पुरुष। इसी तरह से सर्वनाम में भी, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं, मेरा, हम, मुझे, हमें, ये सब क्या हैं? उत्तम पुरुष हैं। फिर है मध्यम पुरुष, तेरा, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, ये क्या है? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उनके, ये सब क्या हैं? ये जब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अलग व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है, तो वो कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष होता है। अब सेकंड सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा घर वह नहीं यह है, या यह संदूक कितना भारी है। इन वाक्यों में सर्वनाम यह और वह, घर और संदूक की ओर एक निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, कि किसी एक निश्चित चीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बाहर कोई बुला रहा है, तो कोई भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी हो सकता है, कोई लेडीज़ भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं, तो बाहर कोई का मतलब कोई भी हो सकता है। देखो, दूध में कुछ पड़ा है, तो ये एक निश्चित चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही है, अनिश्चित चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करते हैं या बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह लड़का नहीं आया जिसे कल चोट लगी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह फल पाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में जो भी वाक्य बताए गए उनमें वह, जिसे, जिसकी, उसकी तथा जो, वह वाक्य दो भागों में प्रयोग किए गए सर्वनामों का संबंध एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या लोगे, तो किसी से कोई चीज़ पूछी गई, तो वहाँ पर कौन सा सर्वनाम हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह किसकी किताब है, तो यहाँ पर भी किसी किताब के बारे में पूछा गया कि ये किसकी किताब है, तो वहाँ पर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये अपने बारे में बात की। मैं तुम स्वयं ही चले जाओगे, तो ये भी अपने बारे में बात हुई। मैं खुद ही आ जाऊंगा, ये सारी बातें अपने लिए कही जा रही हैं, तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू।